है एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो गाइस, आज हम फर्स्ट टाइम फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन हमारी चैनल पे सीखने वाले हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल और इंस्ट्रक्शंस के साथ। सो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो भी बिगनर्स है जिन्हें ब्राइडल मेहंदी नहीं आती लगाना प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, एलिगेंट और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन हम क्रिएट करने वाले हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर रोज़ फ्लावर को क्रिएट कर दिया है। ब्राइडल मेहंदी की स्टार्टिंग एलिमेंट में हमेशा आपको बोल्ड एलिमेंट ही यूज़ करने चाहिए, लाइक लीफी डिज़ाइन के बंच या फिर आप एम्बोस, कटवर्क कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा बोल्ड वाले एलिमेंट ही यूज़ करो, बिकॉज ब्राइड्स को ऊपर की तरफ या किसी भी नॉर्मल पीपल को जितना पाम में कलर आता है उतना ऊपर की तरफ हैंड्स पर कलर नहीं आता। सो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप बोल्ड एलिमेंट्स ही वहाँ पर यूज़ करें। एज यू कैन सी के यहाँ पर मैंने इतने ब्यूटीफुल एक कली को यहाँ पे क्रिएट किया है। बेसिकली हम भी यहाँ पर इस तरीके से एक कटवर्क का डिज़ाइन ही हम क्रिएट कर रहे हैं, एम्बोज ही हम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जब आप ब्राइडल वर्क कर रहे हो तो आप साइडल मेहंदी से थोड़ा सा डिफरेंट एम्बोज वर्क या कटवर्क आप ब्राइडल मेहंदी में क्रिएट करें, ताकि आपकी डिज़ाइन हमेशा डिफरेंट दिखाई दे। एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे इतनी पास इस तरीके से मेरे एलिमेंट्स को क्रिएट किया है। जब भी हम एम्बोस क्रिएट करते हैं तो मेक श्योर करिएगा कि आप एम्बोस को बहुत ही पास क्रिएट करें, अपने एलिमेंट्स को क्रिएट करें, बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा गैप रख देते हैं और हम उसमें फिल कर देते हैं तो वो पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है और बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। इसीलिए यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से बहुत ही पास क्रिएट कर रही हूँ। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से रोजेस की कलीज को, लीव्स को, हमारे बोल्ड फ्लावर को क्रिएट कर दिया है। आप अपनी मर्जी से कोई से भी एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रासेस को भी क्रिएट कर दिया है और इस तरीके से हमारी कलीज को भी क्रिएट कर दिया है। नाउ यू कैन सी कि मैंने ऊपर की तरफ इस तरीके से बॉर्डर लाइन को क्रिएट कर दिया है, ताकि हमें पता चले कि हमें इतने ही पार्ट में इसे बोल्ड करना है। और मैंने फ्लावर में ब्यूटीफुली विजिबिलिटी के साथ शेडिंग कर दिए। मेक श्योर करिएगा कि जब भी आप ब्राइडल पर वर्क कर रहे हो, ब्राइडल मेहंदी सीख रहे हो या फिर ब्राइड्स पे अप्लाई कर रहे हो मेहंदी, तो आप उसे हमेशा बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ क्रिएट किए, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ क्रिएट करिएगा, बिकॉज टाइम मैटर नहीं करता है। मैं हमेशा आपसे शेयर करती हूँ कि टाइम इतना मैटर नहीं करता है जितना आपकी फिनिशिंग मैटर करती है। तो मेक श्योर करिएगा कि आप फिनिशिंग से ही काम करें। यहाँ पर मैं अपने ब्राइडल वर्क में हर वो टेक्निक के साथ यहाँ पे क्रिएट करने वाली हूँ डिज़ाइन, जो मैंने आपके साथ अपने प्रीवियस डिज़ाइन में और प्रीवियस वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आपको क्लासेस के वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। यहाँ पे कुछ नया नहीं होगा, बस आपको अगेन मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, नोट डाउन कर लेना है और फिर इसे अप्लाई करना है। हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जब भी आप ब्राइडल मेहंदी में वर्क कर रहे हो तो आपके दो एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए हम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो जब भी आप हम्स को क्रिएट करें, बहुत ही ज़्यादा विजिबिलिटी के साथ क्लियर आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ इस तरीके से एक राउंड शेप को क्रिएट कर दिया है। अगर आप चाहो तो आप ये दोनों सेपरेट एरिया में अपनी मर्जी से कोई भी फिलर एलिमेंट को फिल कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं दोनों सेपरेट एरिया में सेम फिलर एलिमेंट को फिल कर रही हूँ। एज यू कैन सी आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव नज़र आएगा, बिकॉज मैंने इसे इसी तरीके से क्रिएट किया है कि दोनों एलिमेंट्स पूरी तरीके से सेम नज़र आए। यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से बोल्ड कर दिया है और बोल्ड करने के बाद एक थिन लाइन को क्रिएट करूँगी और उसी के साथ मैं हम्स को क्रिएट कर दूँगी। दोनों तरफ हम सेम चीज़ ही क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैंने हमारी लाइन्स वाली बॉर्डर लाइन को यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। लाइंस वाली बॉर्डर लाइन को हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे। अगेन हम एक थिन लाइन को क्रिएट करते हुए हमारे हम्स को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एज यू कैन सी कि अगेन मैंने हम्स को क्रिएट कर दिया है। एज इट इज़ हम दूसरी साइड पर भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ हमारी बॉर्डर लाइन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं लीव्स वाली बॉर्डर लाइन को क्रिएट कर रही हूँ। ध्यान से देखिएगा कि मैं इसे किस वेरिएशन में क्रिएट कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आती है और उसे भी मैंने हम्स के साथ यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर हम सेंटर पार्ट में एक फ्लावर का बंच क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं सनफ्लावर को क्रिएट कर रही हूँ।
आप चाहो तो आप रोज़ फ्लावर भी क्रिएट कर सकते हो, अपनी मर्जी से कोई भी फ्लावर बंच यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बट आप देखिएगा टेक्निक के मैं इसे किस तरीके से हमारे डिज़ाइन में अटैच करती हूँ। सो एज यू कैन सी कि मैंने तीन सनफ्लावर को क्रिएट किया है, एक पूरा सनफ्लावर और दो हाफ सनफ्लावर्स। अब हम ब्राइडल मेहंदी क्रिएट कर रहे हैं तो साइड पे हम उसे हमेशा हम फिलर एलिमेंट फिल करते हैं हमेशा। सो मैं यहाँ सेंटर पार्ट में इसी वजह से बोल्ड वाले हमारे लीव्स को क्रिएट कर रही हूँ ताकि हमारी पूरी डिज़ाइन मर्ज ना हो जाए और हमारा जो हाईलाइट पार्ट है हमारा बंच वो बहुत ही अच्छे से हाईलाइट हो जाए। सो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक थिन लाइन को भी क्रिएट कर दिया है अगेन क्योंकि वो सेपरेट हो जाए। मैंने एक और सनफ्लावर के हमारे लीव्स को क्रिएट कर दिया है, बोल्ड लीव्स को। बोल्ड लीव क्रिएट हो जाने के बाद मैंने छोटे छोटे से सर्कल्स को क्रिएट किया है एंड देन मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ हमारे स्पाइरल्स। स्पाइरल्स के क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्यूट वाला हार्ट क्रिएट कर रही हूँ ताकि हमारे डिज़ाइन में एक ब्यूटीफुल एलिमेंट एड ऑन हो जाए। और अगेन ऊपर की तरफ मैं हम्स को क्रिएट करूँगी और मैं उसे इस तरीके से वेरिएशन में एक डिफरेंट काइंड ऑफ हमारा एलिमेंट क्रिएट कर दूँगी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक लाइन को क्रिएट किया है और इस साइड पर मैंने लीव्स और हमारे हम्स को क्रिएट करके एक बॉर्डर लाइन को क्रिएट किया है बोल्ड वाली। अब हम यहाँ पर इस तरीके से लाइन्स को क्रिएट करेंगे और लाइंस को पूरे पोर्शन में हम क्रिएट करेंगे। अब जब लाइन क्रिएट हो जाए तो थोड़ा सा उसे ड्राई आउट होने देंगे, उसके बाद हम इसमें इस तरीके से हमारे डॉट्स को फिल करते हुए चेक्स को क्रिएट करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इजी टेक्निक है, आप इसे चेक्सिस की तरह भी क्रिएट कर सकते हो बट मैं इसे ये वेरिएशन में क्रिएट करती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और क्लाइंट्स को भी अच्छा लगता है। एज यू कैन सी कि मेरे पूरी चेक्स की डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे एक बोल्ड लाइन को क्रिएट करूँगी देन अगेन थिन लाइन के साथ में हम्स को क्रिएट कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर एक और इस तरीके से लाइंस को क्रिएट करूँगी और हमारे सारे फ्लावर्स में शेडिंग कर दूँगी। शेडिंग हो जाने के बाद अब मैं ये फ्लावर की एजेस को बोल्ड कर दूंगी। बोल्ड हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक ब्यूटीफुल हमारी ज्यूसी लीव्स को और वेवी लीव्स को मिक्स करते हुए हमारी विंग्स को यहाँ पे क्रिएट किया है। और क्रिएट करने के बाद इस साइड पर मैं इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से मैं शेप लेते हुए यहाँ पर मैं हमारे लेयर्स वाले स्पाइरल को फिल कर दूंगी और फिल करने के बाद इसकी एजेस को मैं प्रॉपरली बोल्ड करूंगी। एज यू कैन सी कि आप देख सकते हो कि मैं किस वेरिएशन में इसे क्रिएट कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर हमारे लीव्स को एक एज अ बंच क्रिएट करेंगे ताकि हमारे डिज़ाइन में ये हाईलाइट हो, ये पार्ट बहुत ही प्रिटी नज़र आए। इस वजह से मैं यहाँ पे इसे क्रिएट कर रही हूँ इस वेरिएशन में। बहुत ही ज़्यादा बड़ा आपको पोर्शन नहीं क्रिएट करना है, आपको सिंपली एक कन्वीनियंट के साथ ही आपको क्रिएट करना है। मैंने इसे एक थिन बॉर्डर लाइन को क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं एक हिबिस्कस की तरीके से एक फ्लावर को क्रिएट कर रही हूँ। मैंने उसी के साथ एक छोटी लीव्स को क्रिएट किया है, एम्बोज वाली हमारी लीव्स को यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है। क्रिएट हो जाने के बाद अगेन बोल्ड एलिमेंट को क्रिएट करूँगी, एक हाफ फ्लावर क्रिएट करूँगी और लीव्स को क्रिएट करेंगे। इतना सब बंच हो जाने पर हम इसे जो हमारा सेपरेट एक एरिया हमारा बन चुका है
वहाँ पर मैं इस तरीके से लेयर वाले हम्स को क्रिएट कर दूंगी। यहाँ पर मैंने कोई बॉर्डर लाइन नहीं यूज़ की है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही सेपरेट नज़र आएगा क्योंकि सेंटर में हमने एक डार्क बॉर्डर लाइन को क्रिएट किया है और बॉर्डर लाइन के अंदर हमने हम्स के बिना के एलिमेंट्स को यहाँ पे क्रिएट किया है। आपको दो हम्स वाले एलिमेंट्स को एक साथ कभी भी नहीं फिल करना, अदरवाइज वो बहुत ही ज़्यादा मर्ज लगेगा, तो आप नहीं करिएगा ऐसा। एज यू कैन सी कि ये फिल होने पर कितना सेपरेट और ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। और इसी के साथ मैंने कंप्लीट कर दी है हमारे फ्लावर की शेडिंग। यहाँ पे अगेन मैंने एक सेपरेट एरिया पाम की तरफ क्रिएट किया है, उसमें मैं लीव्स फीलिंग को क्रिएट कर रही हूँ। लीव्स फीलिंग भी मैंने आपको ऑलरेडी हमारे वीडियोस में सिखाई हुई है, जिस किसी ने भी नहीं सीखी तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, और साथ में इसे यहाँ भी अच्छे से आप सीखिएगा कि मैं किस वेरिएशन में इसे लीव्स को क्रिएट करते हुए क्रिएट कर रही हूँ। नाउ यू कैन सी कि मैंने लीव्स को क्रिएट हो जाने के बाद इस तरीके से बॉर्डर लाइन को क्रिएट कर दिया है। अगेन एक सेपरेट एरिया को करते हुए मैंने हम्स वाले सर्कल्स को यहाँ पे क्रिएट किया है। अब मैं यहाँ ऊपर की तरफ पाम की तरफ हमारे ब्यूटीफुल एक एम्बोज एलिमेंट्स को क्रिएट कर रही हूँ, हमारे रोज पेटल्स की कली को। एंड मैंने यहाँ पे इस तरीके से फ्लावर्स को क्रिएट करते हुए हमारे एम्बोस को कंप्लीट कर दिया है। जब भी आप ब्राइडल मेहंदी में आपके पाम की तरफ आप वर्क कर रहे हो तो मेक श्योर करिएगा कि सारे एलिमेंट्स हाईलाइट हो। आप एक बोल्ड एलिमेंट भी वहाँ पे यूज़ करिएगा बिकॉज पाम पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है जब आप लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन बेस्ट वेरिएशन में क्रिएट करते हो। यहाँ पर मैंने इस तरीके से बॉर्डर लाइन को क्रिएट किया है, इस तरीके से शेप करते हुए उसमें स्पाइरल को भी मैंने क्रिएट कर दिया है। ये सारे कुछ क्रिएट हो जाने के बाद हम फर्स्ट फिंगर की तरफ इस तरीके से एक कली को क्रिएट करेंगे और थंब की साइड पर हमने ये ब्यूटीफुल एक न्यू वेरिएशन में लीव्स फिलिंग को एक अलग टच देते हुए हमने फिलर एलिमेंट को फिल कर दिया है। हमने यहाँ पे बॉर्डर लाइन को क्रिएट किया है। अब मैं डॉट के साथ एक 3D चेक्सिस को यहाँ पे क्रिएट करूँगी। एज यू कैन सी कि मैं यहाँ पे इस तरीके से शेप लेते हुए हमारे चेक्सिस को क्रिएट करूँगी। क्रिएट हो जाने के बाद अब हम इसमें शेडिंग करेंगे। शेडिंग हम कुछ इस वेरिएशन में करेंगे कि एक तरफ हम इस तरीके से लाइंस को क्रिएट करेंगे और दूसरी तरफ हम स्ट्रेट लाइन को इस तरीके से कर्व में क्रिएट करेंगे। एज यू कैन सी ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है पाम की साइड पर और हमने फिल कर दिया है। अब आप चाहो तो आप फिंगर के डिज़ाइन में अगेन कोई भी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ब्यूटीफुल बॉर्डर लाइंस के साथ क्रिएट करूँगी बिकॉज ये हमारा ब्राइडल वर्क है। आप बोल्ड एलिमेंट भी ज़रूर यूज़ करिएगा। मैंने सेकेंड लास्ट फिंगर पे हमारे लीव्स के बंच को भी यहाँ पे क्रिएट किया है। नाउ यू कैन सी कि हमारी ब्राइडल डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट होने के बाद वो और ज़्यादा 3D और अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इस तरीके से डिज़ाइन को सीख सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।